जैन जवानों, सेना में भर्ती होने के लिए सभी क्षेत्रों में आपका फिट होना जरूरी है। कई बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, मेडिकल में सेना भर्ती के लिए बारीक से बारीक भी आपकी चेक होगा, चाहे आपका आँख से लेके कान हो गया, दांत, मुंह, हाथ, उंगलियां, नाखून और खासकर पैर, पैर का फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, अगर नौकनी होगा तो भी निकाल दिया जाएगा। तो कई बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, वो उनकी रनिंग वगैरह रिटर्न वगैरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेडिकल में थोड़े से की वजह से निकाल दिए जाते हैं। तो जवानों, मेडिकल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है सेना भर्ती का। तो मैंने देखा जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं तो मेडिकली प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनका आउट कर देंगे, निकाल देंगे। अभी आप देखिए, अभी इस बच्चे का हाथ सीधा, हाँ, गुड, दोनों हाथ सीधा, मुट्ठी खोलो, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, सामने देखो, हाँ, ठीक है, डाउन। अभी यहाँ पे देखिए, इस बच्चे का पैर टच हो रहा है, तो नॉकनी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से बच्चे निकाल दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये गैप, ये टच नहीं है, यहाँ पे गैप होना चाहिए, इस प्रकार, ये देखिए, इधर देखिए, ये भी ठीक है। तो आपने देखा, इन सभी बच्चों में एक बच्चा है जिसकी रनिंग भी अच्छी है, फिजिकल अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, नौकनी, और उसने कभी शेयर नहीं किया। तो आज देखिए, ग्राउंड पे वो पकड़ में आया है, आज हम उसको ट्रिक और आसान तरीके बताएंगे जिससे नौकनी से छुटकारा पाया जा सकता है और आसानी से आर्मी का मेडिकल निकाल देंगे और अग्निवीर बन जाएंगे। तो मैं देखता हूँ इन बच्चों को गाइडलाइन दे के, कई बच्चों के पैर थे, महीना डेढ़ महीना में ठीक हो जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। जो ट्रिक्स हम बताते हैं उस पर ध्यान देना है। देखिए अभी कैसा है, अभी इन जवानों का सबका ठीक है। इसका तो बेटा, आप जो ये पोजीशन है, यहाँ पे दोनों पैर जुड़ गए हैं, सीधा खड़े हैं, इसको ऐसे करिए, हाँ, ओके, अप डाउन, पूरा इसको खोलना है, ये देखिए, इस प्रकार से, ये इससे आप नियमित करेंगे, इस एक्सरसाइज को करके आपका नौकनी की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। और इसमें कई बच्चों को कोई कपड़ा या तकिया, सोते वक्त अगर एक पैर में आग, तकिया को हल्के से, ज़्यादा हार्ड नहीं, बांध सकते हैं और सोते वक्त, तो पैरों में गैप निश्चित ही हो जाएगा। और जिन जवानों का फ्लैट फुट होता है उनको भी मेडिकली आउट किया जाता है। अभी हाँ, फ्लैट फुट की समस्या नहीं है इनमें, किसी का तो नहीं है, ओके, फ्लैट फुट भी एक छोटी सी समस्या है जिसकी वजह से आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। आर्मी में जाएंगे तो मेडिकल आपका स्ट्रॉन्ग हार्ड ही होगा, तो इसीलिए जिन बच्चों में कुछ कमियां हैं या कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स है, उसको अगर अभी से इलाज करा के या कुछ आसान ट्रिक्स के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं देखता हूँ, जवान अपनी छोटी छोटी कमियों को छिपाते हैं, छिपाना नहीं है, आप शेयर करिए, हम आपको उचित और अच्छा मार्गदर्शन देंगे जिससे आपका 100% भला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जवान ग्राउंड पे फिजिकल और घर में रिटर्न के अलावा मेडिकल से भी रिलेटिव अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करें और हम उनको उसके ट्रिक्स बताएंगे जिससे उनका भर्ती होना निश्चित हो जाएगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अगले वीडियो में आपको और भी फ्लैट फुट और जो भी बीमारियां हैं, जो डिफेक्ट हैं शरीर में, उनके बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, हमारा फौजी फिजिकल एकेडमी का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ओके, जय हिंद जवानों।